आज हम पढ़ रहे हैं, हमारी पोइम है द स्क्वेरल, एक गिलहरी। क्या है पोइम? पोइट है वो देखता है कि एक गिलहरी को एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ, और वो उसके बारे में लिखता है। ठीक है, यू मे हैव सीन अ स्क्वेरल सिटिंग ऑन द ग्राउंड ईटिंग अ नट। ठीक है, हमने कभी देखी होगी कोई भी स्क्वेरल या गिलहरी को बैठी हुई किसी ग्राउंड पे और खाते हुए कोई नट को। What did it look like? वो कैसी दिखती है, क्या करती है, कैसी दिखती है? Here is a poet's description of just such a squirrel. यहाँ पे जो poet है उसने क्या किया है, एक squirrel का उस squirrel के बारे में describe किया है, description किया है कि वो किस तरीके से है, वो क्या खाती है, ठीक है, कैसे उछल कूद करती है। ठीक है, so पढ़ते हैं। He wore a question mark for tail and overcoat of grey. He sat up straight to eat a nut. He liked to tease and play. And if we run around his tree, he went the other way. क्या है? He wore a question mark for tail. उसने अपनी पूंछ का है वो एक question mark बना रखा है. And overcoat of grey. और जो उसके पूरी body है वो एक overcoat की तरह लग रही है, grey color की. He sat up straight to eat a nut. वह सीधी बैठे हैं और यहाँ ही है वो स्क्वेरल के लिए यूज़ हो रहा है, गिलहरी के लिए, कि वो स्ट्रेट बैठी है, सीधी बैठी है और नट खा रही है। ठीक है, He liked to tease and play. उसको क्या है, किसी को छेड़ना और किसी के साथ खेलना बहुत पसंद है। And if we run around his tree, और अगर हम पेड़ के पास जाते हैं, पेड़ के पास जाकर खड़े होते हैं, ठीक है, He went to other way, और वो कहीं दूसरे रास्ते में भाग जाती है, इधर से उधर पेड़ पे बैठती है, दीवार पे बैठती है, ज़मीन पे जाती है, उछल कूद करती है। ठीक है, तो क्या है, पोइट ने एक गिलहरी के बारे में यहाँ पे बताया है कि गिलहरी की उछल कूद, वो किस तरीके से जंप करती है, कैसे वो खाती है, कैसे वो उछल कूद करती है। ठीक है, तो यहाँ पे, और यहाँ पोइट का नाम है मेल्ड्रड ब्राउज आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, पोइट का नाम भी आप अच्छे से याद रखें। ठीक है, ये दिया हुआ है पोइट का नेम और पोइम का नेम है द स्क्वेरल। ओके।